गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बस बेटा, बेटा इसको वाइंड अप करना है। टुडे आपकी बातें कम, मेरी बातें ज्यादा। सिर्फ बस हम लोग कितना सीरियसली लेते होमवर्क को। सिर्फ दो बच्चों ने मुझे फॉरवर्ड करा, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि मेरे पास नॉलेज पूरी नहीं है, कि धीरू भाई अंबानी, उनके ब्रदर चंपकलाल दमानी, भाई वो अंबानी वो दमानी, तो कैसे ब्रदर है मुझे फॉरवर्ड करना। सिर्फ दो पर्सन्स ने मुझे फॉरवर्ड करा, बड़ी खुशी हुई। आपने मुझे होमवर्क इतने बट दो स्टूडेंट्स ने, ठीक है ना बेटा। और यही मैं आरएनडी करने के लिए बोलता उस हीरो पे, उस हीरोइन पे, उस वेब सीरीज पे, हम ये पे कर देते है ना अंकल जी। इंटरेस्ट इंटरेस्ट की बात है या अंकल जी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड मुंबई हेड ऑफिस, क्लास स्टार्ट नाउ। वो क्या नेम था इनके टेक्सटाइल का? विमल। टेक्सटाइल का जो नेम था क्या था बेटा? विमल। राइटिंग स्टार्ट। लास्ट में लिखा था 81 सब्सिडियरी कंपनीज, 10 एसोसिएट कंपनीज। स्टार्ट। पोर्टफोलियो, रिलायंस रिटेल, रिलायंस रिटेल जिसमें आप जानते हैं रिलायंस फुटप्रिंट, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस लाइफ साइंस, एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन, रिलायंस रिटेल, रिलायंस लाइफ साइंसेस, इसमें मेडिकल आ गया बेटा। एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन, इसमें आ गया हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम, रिफाइनिंग, मार्केटिंग। फिफ्थ पेट्रोकेमिकल्स, रिलायंस कम्युनिकेशन, नेटवर्क 18, आप लोग देखते हैं हिस्ट्री चैनल, हिस्ट्री चैनल कलर्स, वो नेटवर्क 18 ओन करता है। सीएनबीसी आवाज, प्लीज प्लीज, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि डाउनलोड करो, देखो, शेयर ट्रेडिंग, मनी कंट्रोल वो भी ये ऑन करता है। जो ऐप मनी कंट्रोल मुझे ऑथेंटिक लगता है वो भी नेटवर्क 18 ऑन करता है। वाईकॉम 18, आप मूवीज में वेब सीरीज में देखते हैं वाईकॉम 18, नेटवर्क 18 का है। रिलायंस टेक्सटाइल्स, ये 8 डिविजन्स है आरआईएल के, लिख रहा बच्चा। रिलायंस रिटेल, लाइफ साइंसेस, एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन,
रिफाइन, पेट्रोकेमिकल्स, जियो, नेटवर्क 18, रिलायंस टेक्सटाइल। मैंने कल बताया था सऊदी अरेबिया की कौन सी कंपनी है जो इसमें 20% स्टेक खरीदना चाहती है, आमको, याद है? सऊदी अरेबिया की, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है सऊदी अरेबिया ओरिजिन की है, जो इसमें 20% स्टेक खरीदना चाहती है आमको। लिख बच्चा, डेन नेटवर्क, डेन नेटवर्क, हाथवे केबल्स, लिख तो बताता हूं ना बेटा, डेन नेटवर्क, हाथवे केबल, डेटा कॉम लिमिटेड, इन तीन के साथ पार्टी आरआईएल ने, जो आपके मेरे लोकेलिटी में केबल टीवी है, शायद डेन का हो, हाथवे, उनके साथ पार्टनरशिप, मुझे लगता है पार्टनरशिप कम है, सेल कर दिया होगा अपना शेयर, 20, 30, 40, 50, एक दिन 100% ले लेंगे। अपने फील्ड की बात बताता हूं, प्लीज थोड़ा टंटे बच्चा, सही गेम खेली आरआईएल ने। आरआईएल ने इनडायरेक्टली अनाउंस किया कि मैं खरीदना चाहता हूं पब्लिकेशन हाउसेस, इसलिए बता रहा हूं, आप लोग कभी मिसगाइड मत होना, पब्लिकेशन हाउस खरीदना चाहता हूं, नाम नहीं बताया कि जो लीडिंग पब्लिकेशन हाउस है मैं खरीदना चाहता हूं। तो हमें पता ही है 11th 12th के जो लीडिंग पब्लिकेशन हाउस है, उन्होंने प्रपोजल भेजा, सर आप खरीदना चाहते हैं तो हम पार्टनरशिप कर लेते हैं। जो लीडिंग पब्लिकेशन हाउसिंग है, आप इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ते थे, मैथ्स की, ठीक है जी, उसने बोला पब्लिकेशन हाउस, और जो ओन करता है उसने ऑफर दिया, पार्टनरशिप कर लेते हैं। उसके बाद रिलायंस ने इवेल्युएट करा कि इसकी जो ग्रोथ है सिर्फ 200 से 300 करोड़ की ग्रोथ है हर साल, ईयर पूरी इंडस्ट्री की। वैसे कोविड चल रहा है और हम लोग ऑनलाइन कोचिंग में ज्यादा, हार्ड कॉपीज कम है, 200 से 300 करोड़ की ग्रोथ है जो कम लगी रिलायंस ने, रिलायंस ने मना कर दिया। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक्स वाई जेड एबीसी, इन्होंने और कंसोलिडेशन करा, इंप्रूवमेंट करा कि वो हमें खरीदने आएगा, छोटे छोटे मिल गए, कंसोलिडेशन, इंप्रूवमेंट, मॉडर्नाइजेशन, कि रिलायंस अंकल आएंगे खरीदने के लिए। रिलायंस ने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, इस सेक्टर में ग्रोथ नहीं है। अब बेचारे वो लॉस में आ गए, उनके पास पहले पैसे नहीं थे, मॉडर्नाइज कर दिया लोन लेके, वो लॉस में आ गए। इस समय मैक्सिमम पब्लिकेशन हाउसेज लॉस में चल रहे हैं, मैक्सिमम, क्योंकि उन्होंने बिना कैलकुलेशन करे, बिना नाम सुने मॉडर्नाइज करा, रिवाइवल करा, कंसोलिडेट करा, एंड में उसने मना कर दिया, नहीं नहीं बाय बाय, हम नहीं आ रहे इस फील्ड में। तो पब्लिकेशन हाउसेज एक्स वाई जेड, चाहे आपके सैंपल पेपर्स हैं, चाहे आपकी पब्लिकेशन हाउस बुक्स है, लॉस में चल रही, मैक्स टू मैक्स। गूगल ही खेल गया आरआईएल। तो कभी ऐसे एमडीएच, मैंने बताया एमडीएच को खरीदना चाहता था 20, 30, 40% एचयूएल, उनके बेटे ने बोल दिया नहीं हम इस लिगेसी को नहीं छोड़ेंगे, मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं, ये अच्छा करा, टाइमली वो प्रोसेस आगे बढ़ती, मेरे शेयर डाउन होते, आपके शेयर अप होते, उसके बाद मना करते, वो एक मार्केट गेम हो जाती, टाइमली मना कर दिया, अच्छा डिसीजन था। ये हमारे एमडीएच वाले भाई साहब भी गुलाटी साहब है, यस खुशी होती है। डेन, हाथवे केबल, डेटा कॉम, पार्टनरशिप विद आरआईएल। थोड़ी सी बातें कम करनी पड़ेंगी, क्या मैं एमबाइब, इसका नाम सुना है, लीडिंग कंपनी है,
कौन ओन करता है? बच्चे लीडिंग कंपनी है आईटी फील्ड की, ये ओन करता है, अभी ये नाम दोबारा आएगा एंड में, बच्चे ये ओन करता है माइक्रोसॉफ्ट। कौन ओन करता है? माइक्रोसॉफ्ट। इसने आरआईएल के साथ पार्टनरशिप करी है कि हम लोग एआई और एजुकेशन फील्ड में आएंगे, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एजुकेशन। अभी आने तो दे बेटे, ये बायजूस, आकाश, अन अकेडमी, टॉपर्स, वेदांतु, यही है ना, डिस्कवरी, इनको सही कॉम्पिटिशन मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट, टाटा स्टडी, टाटा स्टडी, माइक्रोसॉफ्ट और आरआईएल की पार्टनरशिप एजुकेशन फील्ड में। 1 अप्रैल से स्टार्ट होना था, पता नहीं हुआ क्यों नहीं। अमेज़न स्टडी, अमेज़न भी आ चुका है इस फील्ड में, गुड। ये एक तरीके का ना स्विंग है। पहले कोविड था तो आप सब बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस ली, इन एक्स वाई जेड प्लेयर्स में बड़े बड़े टीचर्स हायर करा हैंडसम सैलरी में, एक्स वाई जेड ने हैंडसम सैलरी पे हायर कर टीचर्स को, आओ छोड़ो। और जब फेस टू फेस खुल गया, अब नोटिस दे दिया, सर घर बैठो, शाबाश। पहले अपना कोचिंग सेंटर आपका बंद करवा दिया, हमारे पास आ जाओ। अब जब दोबारा से खुल गया फेस टू फेस, जाओ बेटा घर जाओ, घर जाओ। कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करा। मैक्सिमम लोगों को आप पूछ लेना, अगर आपके भी जो एक्स वाई जेड टीचर्स जुड़े थे इनके साथ, 31 मार्च तक उसके बाद घर बैठा दिया, बैठो बैठो घर बैठो, हमारे पास काम नहीं है। किसी बंदे को काम की कमी से बाहर निकाला, रिट्रेंचमेंट, क्या बोलते हैं बेटा, जुड़ गए मेरे अच्छे बच्चे, किसी बंदे को काम नहीं है इसलिए बाहर निकाला, उसको बोलते हैं रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंच कर दिया 31 मार्च, बाय बाय, वापिस आ गए। अब जिसने अपना सेंटर बंद कर दिया, वो क्या करे, दोबारा खोलेगा, लॉस, वो कहीं जॉब कर रहा है, भाई रख लो मेरे को, सर आप तो वहां पे थे, छोड़ना, रख लो भाई। एम बाइब पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन इंडस्ट्री। मैंने एजुकेशन लिखा, पब्लिकेशन नहीं लिखा, जो मेरी कहानी सुनना लिख भी लेंगे। सऊदी अरेबिया की आमको, ट्वेंटी % स्टेक खरीदेगा आरआईएल में। यह बातचीत चल रही है अगस्त 19 कोविड से पहले। हो सकता कोविड की वजह से अपनी डील को रिवाइव करना चाहते हो, रीनेगोशिएट करना चाहते हो। आरआईएल और माइक्रोसॉफ्ट की पार्टनरशिप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आप और मैं डोमेस्टिक, थोड़ी लिखने की स्पीड, मेरी कहानी चलती रहेगी। आप लोग डोमेस्टिक एयरलाइंस बैठते हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस बैठते हैं, ड्यूरिंग फ्लाइट फोन यूज नहीं कर सकते, कॉल, मतलब मूवी देख रहे हैं, कॉल, नेट यूज नहीं कर सकते। हां बच्चा, सिक्योरिटी इश्यू होता है आपका, आप करो या ना करो, आपका फोन चला जाता है फ्लाइट मोड पे, जैमर लगे होते हैं, सिक्योरिटी इशू होता है बेटा, कोई स्पार्किंग हो, पूरा प्लेन चला जाए। इसने सेफ्टी के साथ इंडिया का पहला इन फ्लाइट सर्विस शुरू करी है, वर्ल्ड की नहीं, सर बड़े बड़े प्लेन्स में होता है, सर एतिहाद में है, लुफ्तांजा में है, सर सचिन, एमिरेट्स में है, हाँ जी, सॉरी,
ये कौन सी तुम्हारी है क्या? अच्छा ऑस्ट्रेलिया ब्रांड तो नहीं है ये, ब्रांड है। तुम ऐसे में बैठते हो यार, तुम्हारी क्या स्टैंडर्ड तुम्हारा? अच्छी एयर होस्टेस होती है इस पे? अच्छी एयर होस्टेस होती है, ऐसी होती है? मैं बोलना भाई, मैं लेवल पूछा तू कहीं और जा रहा है। भावनाओं पे कंट्रोल रखो बेटा, आप कह रहे हो तभी ठीक नहीं है। इंडिया की फर्स्ट इन फ्लाइट सर्विस, इन फ्लाइट सर्विस जियो को टेंडर मिला है। हमारी आईसीए की बुक में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है ये। अब मैं जो बता रहा हूं, एक तो सऊदी अरेबिया वाला इसका ट्रंप कार्ड साबित होगा, 20% स्टेक, पैसा शेयर और पाकिस्तान से सेफ्टी। दूसरा सुनना, जो मुझे मुश्किल लगता है कि हमारी गवर्नमेंट शायद अप्रूव करे, शायद इसने ऑफर दे रखा है इंडिया के हर घर में ये पाइपलाइन डालना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट। हर घर में पाइपलाइन डालना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, पेट्रोल डीजल एलपीजी सीएनजी, पेट्रोल डीजल एलपीजी सीएनजी। जैसे अभी आपके मेरे घर पे एलएनजी आती है, पेट्रोल डीजल एलपीजी सीएनजी, यस। कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं, बस जो वो बिल आएगा वो भर देना। इस देखो रीजन बीइंग, भाई तू तो कैपिटलिस्ट एक बंदा है, अगर ये अप्रूव हो जाता है तो सोच के देखो कितने बड़े स्केल पे अनएम्प्लॉयमेंट होगी, कितने बड़े स्केल पे अनएम्प्लॉयमेंट होगी। जो पेट्रोल पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, डिलीवरी प्रोसेसिंग अनएम्प्लॉयड, बस हमारा चलेगा। गवर्नमेंट की खुद भी तो रिफाइनरीज हैं, खुद के भी तो फ्यूल पंप है, वो कहां जाएंगे? भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान, इंडियन ऑयल। और इस ऑफर को दिए हुए अबाउट 15-18 ईयर्स हो चुके हैं, 15-18 ईयर्स, अप्रूव नहीं होगी। सेकंड, ये आना चाहता है अटोमिक एनर्जी। जरा सचिन सर की बातें याद करिए, अटोमिक एनर्जी में गवर्नमेंट, प्राइवेट आना चाहे पीपीपी, फॉरेनर नहीं आ सकते, 0% एफडीआई, बताया था यार, बोलो यार बोलो। एटॉमिक गवर्नमेंट ओके, प्राइवेट ना, फॉरेन ना, अगर प्राइवेट करना चाहे पीपीपी, ये 100% करना चाहता है एटॉमिक। यस, प्रपोजल है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, पीपीपी छोड़, 100% सेफेस्ट इन द वर्ल्ड बनाऊंगा एटॉमिक, अलाउ तो कर, मना कर रहे हैं। मुकेश अंबानी फैमिली के पास कितना परसेंट शेयर है? 52, और पब्लिक के पास 48। आज फोर्थ है, एलआईसी का आईपीओ आ गया, 15,000 रुपीज का एक लॉट है, 900 कुछ का शेयर है एक, 15,000। रिटेल इन्वेस्टर आईपीओ ओपन रहता है, लॉ में पड़ेगा इंटर में, कोई भी आईपीओ ओपन रहता है 3 वर्किंग डे, कोई भी आईपीओ ओपन रहता बच्चा 3 वर्किंग डे। कल ईद थी, हॉलिडे, आता भी आज आया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे संडे फिर ऑफ है, मैं फिर क्रॉस चेक हो गया। सैटरडे होता सचिन सर झूठे हो, संडे होता आप झूठे हो, 3 वर्किंग डेज। आप और मैं रिटेल इन्वेस्टर है, हम लोग पैसा लगा सकते हैं आईपीओ में बेटा, 2 लाख रुपीज पर एप्लीकेशन। एफआईआई डीआईआई की बात नहीं हो रही, आप और मैं रिटेल इन्वेस्टर हैं, हम लोग लगा सकते हैं 2 लाख रुपए पर एप्लीकेशन, 2 लाख रुपए पर एप्लीकेशन। अगर आपको इस आईपीओ से या कोई और आईपीओ से बहुत ज्यादा प्यार है तो ये कर सकते हैं, 2 लाख पापा के नाम पे, मम्मी के नाम पे, बहन के नाम पे, भाई के नाम पे, भाई के नाम पे लगा सकते हो, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब्ड होगा, प्रोरेटा कुछ अलॉट, बाकी रिफंड।
आपको पैसा का चेक नहीं देना होता, उतना अमाउंट अकाउंट में फ्रीज हो जाता है। 15,000 रुपए का एक लॉट है, सर मेरे को चेक कहां दे के आना है, चेक कहां दे के आना है, चेक के लिए फिर कागज वेस्ट, उतना अमाउंट आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, यू कैन नॉट विड्रॉ। फिर आपको ईमेल आएगा, मैसेज आएगा कि आपको एक शेयर अलॉट हुआ है, तो एक शेयर के पैसे डेबिट, बाकी अनफ्रीज्ड। ऐसा होता है प्रोसेस। कितने वर्किंग डे के लिए? 3। और रिटेल इन्वेस्टर 2 लाख रुपीज पर पर्सन पर एप्लीकेशन, 2 लाख की लिमिट है। तो ये 15,000 है, 15,000 देख ले कितने लॉट बनते हैं। और इसको आईपीओ जो एक शेयर का अबाउट 950 रुपीज का है, 950 रुपीज का है। और अभी 21,000 करोड़, 21, थैंक यू सर, क्या नाम है आपका? वंश। पहले गवर्नमेंट बेचना चाहती थी 5%, 3.5% शेयर बेचा है गवर्नमेंट ने अपना, 3.5% शेयर बेचा आपको 21,000 करोड़ का। पहले 5% सोचा था, 3.5% बेचा है इन द मार्केट। सिर्फ आरबीआई ने, मैं अभी फोन में से बच्चे का नाम देकर बताता हूं, एक का रिप्लाई, आरबीआई ने 2 महीने पूरे होने की वेट नहीं करी। बाई मंथली पॉलिसी होती है, आज इमरजेंसी मीटिंग हुई है, रेपो रेट बढ़ा दिया गया है, थैंक यू। 2-2 महीने बाद मीटिंग होती है आरबीआई की, 8 अप्रैल को हुई थी, 8 जून को नहीं है। आरबीआई की आज इमरजेंसी मीट हुआ है, मीटिंग हुई है, उसमें रेपो रेट बढ़ा दिया गया है। गवर्नमेंट को लग रहा है, आरबीआई को लग रहा है कि लोग फजूल खर्ची करने वाले हैं, कर रहे हैं, तो आपकी लिक्विडिटी कम कर लेते हैं। इमरजेंसी मीट थी आज मॉर्निंग 11 o'clock। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा बैंक कौन है? गवर्नमेंट का बैंक, प्राइवेट, फॉरेन सिटी, याद है मेरे बच्चा? गवर्नमेंट बैंक एसबीआई, प्राइवेट आईसीआईसीआई, फॉरेन सिटी, लिख मेरे बच्चा, एसबीआई। एटीन जीरो सिक्स में बना एसबीआई। अभी स्टोरी पूरी बताता हूं। हेड ऑफिस मुंबई, चेयरमैन 3, दिनेश कुमार खरा, सी सी सेट्टी, अश्वनी भाटिया, स्वामीनाथन जे, एक मिनट जी, करेक्शन करता हूं, चेयरमैन है जी दिनेश कुमार खारा, बाकी 3 एमडी, बाकी एमडी रेक्टिफिकेशन करेंगे बेटा। चेयरमैन दिनेश कुमार खारा, एमडी सीसी सेट्टी, अश्वनी भाटिया, स्वामीनाथन जे, अश्वनी कुमार, 4 एमडी, सीएफओ चरणजीत सुरेंद्र सिंह,
अतरा, किसी बच्चे को याद है कि जब हमने आईसीआई से पढ़ा, एचडीएफसी पढ़ा, उनकी अबाउट 4,000-6,000 ब्रांचेस एटीएम? बोल दो बेटा। मैं एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा, पीछे बदेख, एचडीएफसी आईसीआईसी 4,000-6,000 एटीएम ब्रांचेस, 14,000 ब्रांचेस, 14,000 ब्रांचेस, 58,500 एटीएम्स, 191 फॉरेन ऑफिसेस, 14,000 ब्रांचेस, 58,500 एटीएम्स, 191 फॉरेन ऑफिसेस अक्रॉस 36 कंट्रीज। बैंक ऑफ मेड्रास, बैंक ऑफ कैलकटा, बैंक ऑफ बॉम्बे, ये तीन बैंक बनाए थे ब्रिटिशर ने। बैंक ऑफ मेड्रास, अब मैं जो पूरी प्रोसेस बता रहा हूं, तीन बैंक, फिर एक बैंक, फिर एसबीआई मर्ज, इनमें पूरे के पीछे दिमाग था केन्स अंकल का, जॉन मेनार्ड केन्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाम याद कर बच्चा, बैंक ऑफ मेड्रास, बैंक ऑफ कैलकटा, बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीन बैंक को मर्ज किया गया इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर एसबीआई में मर्ज कर दिया 55, एसबीआई में आरबीआई का शेयर 60%, एसबीआई में आरबीआई का स्टेक 60%, 2008 में गवर्नमेंट ने खरीद लिया आरबीआई से। अब आरबीआई के पास शेयर नहीं है, गवर्नमेंट के पास शेयर है, 60% शेयर गवर्नमेंट का, 40% आपके मेरे पास इन द मार्केट। पहले आरबी के पास शेयर था, 8 में गवर्नमेंट ने खरीद लिया 60% शेयर, अब गवर्नमेंट के पास है, 40 आपके पास मेरे पास इन द मार्केट। सेगमेंट्स, एसबीआई ने कौन से बिजनेस का अलग कर रखा है? क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इसकी अलग वेंचर है और वो प्राइवेट है, एसबीआई क्रेडिट कार्ड प्राइवेट है। कल को किसी की जॉब लगती है तो सोचे जी हमको तो पेंशन मिलेगी, हमें गवर्नमेंट फैसिलिटीज मिलेंगी, नो, एसबीआई, एसबीआई क्रेडिट कार्ड प्राइवेट है। सेगमेंट्स, पर्सनल बैंकिंग, एनआरआई सर्विसेस, एग्रीकल्चरल लोन, कॉरपोरेट जिसको बोलते हैं होलसेल बैंकिंग, गवर्नमेंट डीलिंग्स, इंटरेस्ट रेट, पर्सनल 1, एनआरआई 2, एग्रीकल्चर 3, कॉर्पोरेट 4, गवर्नमेंट बिजनेस 5, इंटरेस्ट रेट सर्विस 6 पार्ट्स है एसबीआई बैंकिंग सिस्टम के।
इंटरेस्ट रेट बॉन्ड होते हैं बेटा, इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स होते हैं। ये नाम बताता हूं, ये नाम आया था इंटरेस्ट रेट बॉन्ड डेरिवेटिव्स जार्गन में, डेरिवेटिव। गिरवी रख के पुत्र, मैंने शायद आपको तब, देखो थोड़ा सा लेसन लो, मैं जार्गन जार्गन के नाम देख रहा था, डिटेल नहीं। सुन, जार्गन को छूट ना जाए भाई, सौ सौ जार्गन्स है, डिटेल नहीं, कॉन्सेप्ट दिमाग में है, हिंदी एग्जैक्ट मीनिंग। आप भी ऐसे करो बेटा, रट्टाफिकेशन नहीं। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, आराम से समझना। लास्ट लास्ट में तीन चार बच्चे रुके थे डाउट्स के लिए, तो उनके साथ मेरी बात हुई थी, मेरे को देख, टाटा सन्स प्राइवेट, पैसा है रतन टाटा का, बाकी रतन टाटा जी के बाद, रतन टाटा जी के बाद जो मेजर शेयर है सायरस मिस्त्री, मेरे को देखो बच्चा, रतन टाटा जी के बाद जो मैक्सिमम शेयर है सायरस मिस्त्री, मिस्त्री सरनेम है, पारसी है। तो जब रतन टाटा जी रिटायर हुए वॉलंटरी, सायरस मिस्त्री को बनाना पड़ा मजबूरी में, भाई मेरे बात तू। सायरस मिस्त्री का जो मेन काम है वो है रियल एस्टेट, शपूरजी पलौंजी बिजनेस फॉर्म है। रतन टाटा के बाद सायरस मिस्त्री का शेयर तो भाई तेरे को बनाना पड़ा एमडी, वो संभाल नहीं सके। रतन टाटा जी ने इंटरफेयर करा, इसको हटाया, ये चिढ़ गया, कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने रतन टाटा जी के फेवर में फैसला सुनाया। बता भाई, जो रिटायर हो गया उसके बाद भी, नहीं यार ये खून पसीने की हमारी कंपनी है, सारे मिस्त्री संभाल नहीं पा रहा। बोर्ड को समझाया कि भाई ये डुबा देगा, श्रीलंका ना बना ले इसको, पाकिस्तान ना बना दे। तो बोर्ड को समझाया, इनको हटाया। सारे मिस्त्री जी चिड़ गए थे, केस करा, तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, इनके फेवर में सुनाया फैसला। ये रियल एस्टेट फॉर्म है बेसिकली, शपूरजी पलौंजी। कुछ कह रहे थे, सॉरी नहीं सर, इसको लेके हुआ था, डोकोमो का संभाल नहीं पाए थे केस। अच्छा और सुनो, अच्छा आप लोग ना शपूरजी पलौंजी को, सारे मिस्त्री को इनडायरेक्टली जानते हो। अब फटा बताता हूं ना, बात तो सुनना बेटा, मैं वो एग्जांपल दे रहा हूं जो आप फैमिलियर हो। चलो सर, हमने नाम नहीं सुना, सारे मिस्त्री छोड़, शपूरजी पलौंजी छोड़, बिल्डर छोड़, लेकिन आपने, मैंने नाम सुना है जिसने वाटर प्योरीफायर एक्वागार्ड यूरेका फॉर्ब्स को इन्वेंट करा था, यूरेका फॉर्ब्स, शपूरजी पलौंजी ग्रुप को बेच दिया कुछ दिन पहले। इन्वेंटर इन्वेंटर इन्वेंटर, ये बच्चे हैं कैंटवेंट, तो जिसने आविष्कार करा, पेटेंट था दो चीजों का, वाटर प्योरीफायर आरओ और वैक्यूम क्लीनर। याद रखिए बेटा, वैक्यूम क्लीनर और आरओ का जो इन्वेंटर था वो था यूरेका फॉर्ब्स। यूरेका फॉर्ब्स शपूरजी पलौंजी कंपनी है, अभी छह सात महीने हो गए बेच दी कंपनी, किसको बेची पता नहीं, छोड़ शपूरजी पलौंजी। बट इन्वेंशन तो तूने करा, साइंटिस्ट तो तेरे थे, पेटेंट तो तूने एंजॉय करा, उस पीरियड में कोई और नहीं, हमारी आएगा एक्वागार्ड, जब वो पेटेंट लाइफ पूरी होगी, दो साल चार साल पांच साल, चल तू भी आदा। मैंने नोट छाप लिए मोनोपोली पीरियड के। टाटा ग्रुप, आराम से समझना, टाटा ग्रुप प्राइवेट कंपनी, आप टाटा ग्रुप के शेयर नहीं खरीद सकते, टाटा ग्रुप प्राइवेट कंपनी, रतन टाटा का शेयर, एम्प्लॉइज का शेयर, लेकिन जो सब्सिडरीज है वो पब्लिक कंपनी है। आप खरीदते हैं टाटा मोटर्स, टीसीएस, समझ पा रहे हो, टाटा ग्रुप इज अ प्राइवेट कंपनी, इज अ, वो शेयर कुछ के पास है, लेकिन जो सब्सिडरीज है वो पब्लिक कंपनी है, वो तो और मैं खरीदते हैं टीसीएस,
टाटा पावर, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, तो ग्रुप प्राइवेट सब्सिडरीज कुछ पब्लिक कंपनी। शाबाश 1868 हेड ऑफिस बॉम्बे हाउस महाराष्ट्र मुंबई, एमडी शपूरजी प्लौंजी के बाद इनको बनाया गया और ये अच्छा काम कर रहे, डिजर्व करते हैं। रतन टाटा जी की पसंद है, नटराजरन शेखरन चंद्रशेखरन, नटराजरन नटराजन चंद्रशेखरन, CHANDRASEKARAN, CFO एरुच नोशिर कबाड़िया। बातें बंद करनी पड़ी बच्चों आपको, 100 इंडिपेंडेंट कंपनीज रतन टाटा जी अगर चैरिटी नहीं करते वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन होते, चैरिटी ना करते वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन होते। 100 कंपनी ओन करना छोटी मोटी बात नहीं होती अक्रॉस द वर्ल्ड। 4 मौके आए अंकल जी के पास, आपके मेरे दादाजी की उम्र से बड़े हैं, मैरिज के, लेकिन वर्कहॉलिक है, मैंने उनकी उसमें पढ़ा था कई आर्टिकल में। 4 सर सर घर में बैठे हुए लड़की वाले, ये ऑफिस से मीटिंग लेट, वो भाग गए, वर्कहॉलिक है। आईआईटी आईआईएम को रेनोवेट ये करवाते हैं, गवर्नमेंट नहीं, आईआईटी आईआईएम ये रेनोवेट करवाते हैं। नाम मत लिखना टाटा ग्रुप, नाम नहीं, आईआईटी आईएम को रेनोवेट करवाते हैं, मॉडर्नाइज करवाते हैं, लेकिन बदले में क्या मांगते हैं कि जब कैंपस प्लेसमेंट होगी सबसे पहले हम आएंगे बच्चों को लेने के लिए। यस, नाम लिखियो कि ये स्मार्ट बोर्ड टाटा ने लगवाया है, बिल्डिंग का पेंट टाटा ने करवाया। नो, मुझे बदले में चाहिए जी, बिजनेसमैन हूं, मुझे बदले में चाहिए कैंपस प्लेसमेंट, सबसे पहले मेरी कंपनी आएगी, डायमंड मैं लेके जाऊंगा, ये 98% 99% 100% बेटा मैं लेके जाऊंगा, उसके बाद देना टीसीएस को मौका, विप्रो को, टाटा, आईआईटी आईएम, और भी ये 2 तो है सर। 17 सर अच्छा लगता है, ये जेम्स कम है इंडिया में लेकिन है, 17 ईयर्स ओल्ड बच्चा इनका आईटी एडवाइजर है, 17 साल का बच्चा इनका आईटी एडवाइजर है, आईटी एडवाइजर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर ये वगैरह, 17 साल का बच्चा, वो भी स्मार्ट है, चूज खुद कर रहा है टाटा जी ने। फाइव कोर वैल्यूज, वर्ल्ड का सबसे क्रेडिबल ब्रांड ये है जी, विश्वसनीय ब्रांड, वर्ल्ड का सबसे क्रेडिबल ब्रांड है टाटा ग्रुप। टाटा का नाम है, वर्ल्ड के लोग कहता है खरीद लो अच्छा ही होगा, क्रॉस चेक रीचेक की जरूरत नहीं है, टाटा है ना। 5 कोर वैल्यूज हैं, पाइनियर, अपने फील्ड में नंबर वन बनना है, इंटीग्रिटी, मिलके काम करना है, एक्सेलेंस, यूनिटी, पाइनियर, इंटीग्रिटी, एक्सेलेंस, यूनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी,
29 लिस्टेड कंपनीज है जी, 100 कंपनी टोटल है, और जो शेयर आते हैं आप और मैं खरीदते हैं 29 कंपनीज। कम्युनिकेशन, होटेल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा फाइनेंस, कंज्यूमर रिटेल, आपने इलेक्ट्रॉनिक स्टोर देखा, क्रोमा इनका है, आपके मेरे घर पे फर्नीचर आता है, रॉ मटीरियल आता है, डेकोर इन्हीं का ही है जी, या फर्नीचर खरीदता तू बेटा या रॉ मटीरियल प्लाईवुड वगैरह, डेकोर DCOR यही ओन करते हैं। सॉरी डियर, बिग बास्केट, डिफेंस गुड्स बनाते हैं PPP में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एरोस्पेस गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं, एरोप्लेन PPP, ऑटोमोबाइल, कार, ट्रक, बस, टाटा होम्स, रियल एस्टेट, टाटा पावर, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10.88 ट्रिलियन, रुपीज, यूएस डॉलर नहीं। फोर्ड ने इनकी इंसल्ट करी कि अगर आपको कार बनाना आता नहीं है तो बनाई क्यों इंडिगा, और अब हमको बेचना चाहते हो। नटराजन शेखरन की बात बताऊंगा। फोर्ड ने किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रतन टाटा की पर्सनल इंसल्ट करी, कार बनाना नहीं आता, बना ली बेच बिक नहीं रही, कंपनी लॉस में चल रही है, अब हमको इनडायरेक्टली बोल रहे हो खरीद लो। दिल में बात ले ली, इंप्रूव किया, फोर्ड इंडिया का लॉस हुआ, टाटा गया, लैंड रोवर जगुआर खरीद ली उनसे। रुकना भाई, हमें कार बनाना नहीं आता, ठीक कह रहे हो, लैंड रोवर जगुआर हमने खरीद ली आपकी रिक्वेस्ट पे, आप किसी और को बोला हमने खरीद ली बिडिंग में। फोर्ड इंडिया बंद हो चुकी है, फोर्ड इंडिया बंद हो चुकी है, फोर्ड इंडिया कितना समझदार है नटराजन शेखरन, 4 बार मिलकर आया है उसके हेड के साथ फोर्ड इंडिया के, तो फोर्ड का शेयर डाउन, टाटा मोटर का शेयर अप। ये तो बोल रहे ना, अगर मेरे घर में बच्चे का मुंडा ना आना, 4 बार भाई क्या दिमाग है। एक तो लैंड रोवर जगुआर ले लिया, वही तूने हमको मारी इंसल्ट करी थी ना, और आज फोर्ड इंडिया बंद हो चुकी है, आपको नई गाड़ी नहीं मिल रही, फोर्ड इंडिया की नहीं मिल रही, सर्विस सेंटर में प्रॉब्लम चल रही है, एड दिखा, फोर्ड नई गाड़ी नहीं मिल रही बेटा, मुझे ब्रांड न्यू गाड़ी दिला के दिखा दे, फोर्ड इंडिया की मान जाऊंगा, बंद हो चुका है, 6 मंथ्स हो गए हैं, अबाउट 6 मंथ्स, सर्विस तभी टीवी में एड दिखा रहे हैं कि सर्विस हमारी अच्छी है, हमारी सर्विस अच्छी है, हमारी सर्विस अच्छी है, ताकि जो एग्जिस्टिंग वाले हैं वो शोर ना मचाए। नटराजन शेखरन 4 या 5 बार मिलकर आया फोर्ड इंडिया के हेड से, ठीक है ना, बस कि हम लोग खरीदना चाहते हैं, उससे क्या होता है, इनके शेयर डाउन हो रहे हैं, मेरे शेयर अप हो रहे हैं टाटा मोटर्स का, और जो मेरे शेयर अप हो रहे हैं उतने पैसों में जब अरेंज हो देंगे फिर हम तेरे को खरीद लेंगे बेटे।
जब तू 10 रुपए की चीज 1 रुपए का हो जाएगा, तेरा रेट 10 का 1 हो जाएगा और मेरा 100 का 500 हो जाएगा। चल बेटे अब आ दे खरीद ले, लेगा तो यही टाटा मोटर्स जी। फोर्ड इंडिया भी सोचता होगा किससे पंगा ले लिया हमने, पाकिस्तान ने मोनोपोली की ऑफर दी थी, मैं तो एक्सेप्ट कर लेता, मैं तो पैसे भूखा हूं। पाकिस्तान ने मोनोपोली की ऑफर दी थी हमारे पूरे पाकिस्तान में, ट्रक बस कार टाटा की आएगी। चलो ट्रक बस तो समझ आता है, कार भी टाटा की होगी। सर आपने मैन्युफैक्चर करना है, प्राइस पे बात कर ले। क्या पता क्या बोला, जवान आप हमारे शहीद करते हो बॉर्डर पे, आपके साथ बिजनेस करूंगा। डिक्लाइंड। सच में यही वर्ड से, हमारे जवान शहीद करते बॉर्डर पे और मैं आपके साथ बिजनेस करूं। वो कह रहे जी एक प्राइस को लेके नेगोशिएशन कर लेते हैं, इसकी ये लाइन थी कि भाई हमारे जवान शहीद करता है मैं आपके साथ बिजनेस करूंगा। टाटा रतन टाटा जी, रतन टाटा जी बैंड है, उनको पाकिस्तान वीजा नहीं देता। रतन टाटा जी बैंड है, कोई बिजनेस मीट होती है रतन टाटा जी नहीं जा सकते। चिड़ गए, चिड़ले भी चिड़ले। ये किस फील्ड में बेटा, आईटी। 1945 बेंगलुरु, बस बस, चेयरमैन एमडी दोनों एक बंदा है, ऋषद प्रेम जी। विप्रो 45 बेंगलुरु, चेयरमैन एमडी ऋषद प्रेम जी। बेटा अजीम प्रेम जी का बेटे हैं ये, भगवान ना करे कभी आप और मैं फाइनेंशियल क्रंच में फंसे। बच्चे अजीम प्रेम जी को जाना जाता है स्कॉलरशिप बांटने के लिए, एजुकेशन स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल हेल्प। कोविड में कंपनीज बंद हो रही थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने डोनेशन में जी। अजीम प्रेम जी रिटायर कर गए अपने बेटे को, बोला तू संभाल, ये फिलैंथ्रोपी करते हैं। एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, मंदिर, गुरुद्वारा, स्कूल, कॉलेजेस, जो उनकी पूरी टीम है, उनका काम है स्कूल्स में कॉलेजेस में देखना। मैं, भगवान मेरे को थोड़ी और हिम्मत दे, मैं इन डिपार्टमेंट के साथ जुड़ूंगा, मैं एक लाइजन मिडलमैन की तरह काम करूंगा। आपका पैसा विप्रो, मैं बताऊंगा जी ये बच्चा स्कॉलर है, पैसा नहीं है, स्पॉन्सर करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ये नहीं कि मैं स्कॉलरशिप दिलवाऊं उस बंदे को और अगले दिन वो स्पोर्ट्स बाइक ले आए। हम लोग गरीब है, एप्पल का टॉप फोन ले आए, हम लोग गरीब है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उस बच्चे को पैसा मिल जाए वो पढ़ लिख जाए। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहूंगा क्योंकि बंदा सिर्फ एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप डोनेशन और किसी फील्ड में नहीं। अजीम प्रेम जी, उनका बेटा है ऋषद प्रेम जी, एमडी चेयरमैन। सर अब नहीं, रिटायर हो चुके सर, शेयर होल्डर। सर रतन टाटा जी का कोई नॉमिनी नहीं है, भगवान लंबी उम्र दे। रतन टाटा जी की जब डेथ होगी तो इनके सारे पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल शेयर इक्विटी शेयर होल्डर में जाएंगे। रतन टाटा जी की प्रॉपर्टी शेयर इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यस। लेकिन हम इक्विटी शेयर होल्डर चाहते हैं आपकी लंबी उम्र हो। कितने मिल जाएंगे मुझे, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख? लेकिन सर यस, इनकी सारी प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी और शेयर इक्विटी में डिवाइड होंगे। रतन टाटा जी के विल बना चुके हैं, वही फिफ्थ नीड मैसलो की, सेल्फ फुलफिलमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, भगवान कुछ नहीं चाहिए। एमयू ऑफ मनी पूरी हो गई। सर मैं बात करूं जो रतन टाटा जी के अपने शेयर है, तो कंपनी तो चलती रहेगी, जो अपने शेयर है पर्सनल शेयर,
उनकी बात कर रहा हूं। टाटा नाम है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, टाटा ग्रुप नहीं, सिनोनियम है। सीईओ थेरी डेलपोर्ट, सीएफओ जतिन दलाल, ग्लोबल आईटी फर्म 175 सिटीज में ऑफिसेस अक्रॉस सिक्स कॉन्टिनेंट, December 29, 1945 को कंपनी लगाई थी, अमलनर जलगांव। बाय मोहम्मद प्रेम जी, और ये विप्रो की फुल फॉर्म है बेटा, वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल, WIPRO, ऐसे मार्ग भी कर रहे हैं, ये विप्रो की फुल फॉर्म है बच्चा, वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड। इनका स्टार्टिंग काम था वेजिटेबल ऑयल, का अब आईटी में बन गए हैं, वेजिटेबल ऑयल रिफाइंड ऑयल। अमलनर महाराष्ट्र, अब मैं इनके इनका काम मेन था, पहला इनिशियल काम था रिफाइंड ऑयल, बाद में आईटी में आए। अब मैं तीन कंपनी के नाम बताऊंगा जो आप और मैंने सामान खरीदा हुआ है, इनकी थी फिर बेच दी। रुक रुक रुक, ये नाम याद हो गया, क्या इनका मेन काम क्या था, रिफाइंड ऑयल, अलमर महाराष्ट्र में। अब सचिन सर तीन कंपनी के नाम बता रहे, इन्होंने एस्टैब्लिश करी, अच्छी कीमत मिली, बेच दी, फिर आईटी फील्ड में आ गई। सर नाम बताओ, किसान जैम सुना जी? जी, सनफ्लावर ऑयल, और बड़े घुमाए हैं मैंने कैमल के कलर्स, वो इन्हीं की थी बेटा। किसान भाई लिख ले, भाई भाई लिख, किसान सनफ्लावर कैमल के कलर्स ये ओन करते थे, बेच दी क्योंकि इनको आईटी फील्ड में शिफ्ट करना था। 1982 में विप्रो लिमिटेड, पोर्टफोलियो वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट लिमिटेड, वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट लिमिटेड, विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग, नाम बताता हूं भी आपको, वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट लिमिटेड, विप्रो कंज्यूमर केयर लाइटिंग। आपकी मेरी माता स्वेटर वूलन गारमेंट धोती है, सेफ वॉश, इजी सेफ वॉश, सेफ वॉश ये ऑन करता है, इजी एक है सेफ
सेफ वॉश पढ़ना उसके लेबल पे विप्रो दिखेगा, सेफ वॉश वूलन गारमेंट के लिए। लाइटिंग, मैं इसका यूजर हूं, किसी की बुराई नहीं इसकी तारीफ करूंगा। बच्चे स्विचेस आते हैं, एलईडी लाइट्स आती है, नॉर्थ वेस्ट स्विचेस मॉड्यूलर बड़े प्यारे, नॉर्थ वेस्ट ये ओन करता है, नॉर्थ वेस्ट सब पता नहीं सर नहीं पता, ये पता है जो स्विचेस हैं लाइट्स हैं नॉर्थ वेस्ट ये ओन करता है, विप्रो के एलईडी बल्ब, थैंक यू नॉर्थ वेस्ट स्विचेस। विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, बस विप्रो वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट, विप्रो कंज्यूमर लाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। बेटे इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन। भगवान करे जबानर सरस्वती माता बैठी हो, सच हो जाए बात, थॉमस एडिसन ऐसे आप और मैं भी निकले, अपनी जिंदगी बाकी आने जनरेशन हमको हमेशा दुआएं दे। थॉमस एडिसन अमेरिकन थे, इतना कमा लिया, पता है आज उनके ग्रैंड चिल्ड्रन कंपनी को से जीई जनरल इलेक्ट्रिक, थॉमस एडिसन की ग्रैंड चिल्ड्रन की कंपनी है, दादाजी इतना कमा गए, मनी मेक्स मनी, जीई जनरल इलेक्ट्रिक, जीई अमेरिका की शायद फिफ्थ या सिक्स्थ लार्जेस्ट कंपनी है, इसकी मोनोपोली है मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल अच्छे काम के लिए जाओ, एक्सरे ईसीजी अल्ट्रासाउंड मशीन जीई, इंडिया में काम करती है विप्रो के साथ, जीई मेडिकल ओनली मेडिकल, जीई फाइनेंस भी है बेटा, जीई फाइनेंस बैंक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन जो जीई मेडिकल है वो इंडिया में काम करती है विप्रो के साथ। विप्रो जीई जनरल इलेक्ट्रिक मेडिकल सिस्टम, ये 24 पूरी हो गई इंडिया की कंपनीज, अब 9 एमएनसीज, 24 पूरी हो गई इंडिया की कंपनीज, 9 एमएनसीज, अल्फाबेटिकली है, एक नंबर का झूठा मैं, अमेज़न 1994 हेड ऑफिस सिएटल वॉशिंगटन डीसी यूएस, फाउंडर जेफ बेजोस, हमारे जेफी भैया, अभी सीईओ भी यही है, फ्लो मेरा जा रहा है, नाक की लड़ाई बन गई है, जेफ बेजोस मुकेश अंबानी कमारे लॉयर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जेफ बेजोस का कहना है कि बिग बाजार का मालिक किशोर बियानी, बिग बाजार का मालिक किशोर बियानी ने बोला था आपको बेचूंगा, जब मैं कभी बेचूंगा ना या पार्टनरशिप करूंगा मैं आपके साथ करूंगा अमेज़न, अब आपने बेच दिया रिलायंस को, तो कोर्ट ने बोला प्रूफ दिखाओ, कहता ओरल, तो वो तो एविडेंस होता नहीं,
रिकॉर्डिंग है, रिटर्न है। बेटी हाई कोर्ट तक केसेस चल रहे हैं, हियरिंग पे हियरिंग, हियरिंग पे हियरिंग, लॉयर कमा रहे हैं। ना मुकेश अंबानी भाई पीछे हटने को तैयार है, ना ही हमारे जैफी भैया। नहीं नहीं हुई कैंसल, नहीं हुई सर, नहीं हुई सीसीआई, नहीं हुई डियर, नॉलेज रखता हूं इसकी। अगर मैं डाइसी होता मैं चुप हो जाता सर, मैं हमेशा ठीक नहीं होता। सीसीआई ने अभी क्लियरेंस नहीं दिया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। भाई पहले कोर्ट का फैसला आता है, पहले कोर्ट ही अगर मना कर देगी। अभी सीसीआई ने फैसला सुनाया कि आपकी मर्जर एक्विजिशन क्लियर होती है। उम्मीद है अभी वन या टू ईयर्स अभी और चलेगा। वारंटी वारंटी बच्चे जो हमारी आईसीए की बुक में अपडेटेड है मैं तो वही कराऊंगा, ठीक है ना बेटा? आईसीए की बुक में जो अपडेटेड है कंटेंट वही करवाऊंगा। चार पांच दिन पहले चेंज हुआ हो बट हमारे आईसीआई ने बोला भाई ये कंटेंट है एप्लीकेबल फॉर मे 22 एंड ऑनवर्ड्स। देख लूंगा बच्चा, देख लूंगा, ठीक है बच्चा। ई कॉमर्स क्लाउड कंप्यूटिंग डिजिटल स्ट्रीमिंग ई कॉमर्स क्लाउड कंप्यूटिंग डिजिटल स्ट्रीमिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूएस की फर्स्ट कंपनी है गूगल। एप्पल, फेसबुक फोर्थ नंबर भैया। गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेज़न, सर मैंने बोल दिया ना, चेक कर लूंगा भाई, कर लूंगा ना, बता दूंगा। पुलिस को मत बुलाइयो प्लीज। जुलाई 94 को शुरू किया था इन्होंने ऑनलाइन बुक स्टोर। बच्चे मैं कंटेंट अपडेट, क्या नाम बेटा आपका? ध्रुव। मैं कंटेंट अपडेट करके लेके आया था, स्टूडेंट जर्नल्स में अगर अपडेट आया देख लूंगा, करा दूंगा, ठीक है ना? अभी अभी देखो सर, अभी करवाओ तो फिर तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा सबका। फ्लिपकार्ट ने, फ्लिपकार्ट सचिन बंसल बिनी बंसल, उनका भी काम क्या था? बुक्स, बुक्स। और ये अमेज़न का भी जो मेन काम था वो क्या था? बुक। अच्छा वो बेचता भी था, ये ऑनलाइन रेंट, ऑनलाइन रेंट। जुलाई 94 को एस्टेब्लिश किया इनका जो स्टार्टिंग बिजनेस था ऑनलाइन बुक स्टोर, रेंट में देते थे बुक्स। चार साल के बाद म्यूजिक और वीडियोस में कदम रखा। इंडिया में कब आए? 2012। अभी सर 10 साल हुए हैं, 10 साल हुए हैं, कितना बड़ा शेयर बना लिया इंडिया में। हेड ऑफिस हैदराबाद, तेलंगाना। इंडिया के सीईओ मिस्टर अमित अग्रवाल,
सीएफओ मिस्टर राघव राव, पोर्टफोलियो अमेज़न फ्रेश, अमेज़न प्राइम, अमेज़न वेब सर्विस, अलेक्सा दीदी है ना, दीदी हाँ मेरी दीदी, अभी तो हमने आवाज ही सुनी है, ऐप स्टोर, बड़ा इंप्रूवमेंट आया अलेक्सा में, बड़ा इंप्रूवमेंट आया, पहले बोलते कुछ थे लगता कुछ था, बोलो भाई पहले बोलो थे कुछ थे लगता कुछ और था, ठीक है ना, इंप्रूवमेंट आया बहुत, जितनी मर्जी सेलेक्ट कर लो उसमें इंग्लिश इंडिया लैंग्वेज, फिर हम बोलते कुछ थे लगता कुछ था, इतनी आदत बना दिया है मेरे छोटे से बच्चे वो भी लगे रहते हैं, मेरी डॉटर 6 ईयर्स की है, उसके बाद ट्विंस सन्स हैं वो 3 ईयर्स के हैं, तो उनको प्रॉपर ट्विंस है थोड़े से, क्योंकि क्योंकि जो न्यूट्रिशन दो में डिवाइड हुआ तो अभी प्रॉपर नहीं बोल पाते, इट वुड टेक वन मोर ईयर, तो वो भी लग जाते हैं एल एल, और मैडम का भाई कुछ और लग जाएगा, पता है भाई बटन दबाए एल, मैं बोलता हूं दिलजीत दोसांझ सॉन्ग्स फॉर एमी सैमी, अच्छा पापा ने बोला अब वो भी एल, एल, मैं कहा बेटा दिलजीत नहीं आएगा कोई और आ जाएगा, अमेज़न ड्राइव, इको, इको किस चीज के लिए, नहीं नहीं अलेक्सा वॉइस, इको भी वैसे ही है, इको डॉट, इको स्पीकर्स है ना, किंडल, फायर टैबलेट्स, फायर टीवी, वीडियो, किंडल्स, फायर टैबलेट्स, अमेज़न फायर स्टिक, फायर स्टिक, हाँ हाँ, टैबलेट्स, टीवी, दोनों के लिए आते बेटा, फायर स्टिक जो है टैब के लिए अलग है बच्चा, टीवी के लिए अलग है, फायर स्टिक, फायर टीवी, वीडियो, किंडल स्टोर, म्यूजिक, म्यूजिक अनलिमिटेड, ये जो मैं नाम लिखवा रहा हूं इस नाम से इसके सेगमेंट्स हैं अमेज़न के, अमेज़न डिजिटल गेम स्टोर, अमेज़न स्टूडियोज, अमेज़न वायरलेस, अभी कुछ दिन पहले 5 या 6 पर्सन स्पेस टूर पे गए थे, स्पेस टूर पे गए थे, उसमें हमारे जेफी भैया भी थे, यस, जब ये स्पेस टूर पे होके आए 5 या 6 पर्सन थे, अब ये वर्क कर रहे हैं स्पेस टूरिज्म पे, एलन मस्क, एलन मस्क स्पेस टूरिज्म, अमेज़न स्पेस टूरिज्म, वर्ल्ड की शायद 5 कंपनीज है अली कब अली,
स्पेस टूरिज्म, चाइना वाले एक स्टेप और आगे निकल रहे हैं, वो लिफ्ट बनाने की सोच रहे हैं, लिफ्ट बिटवीन इन अर्थ स्पेस लिफ्ट। फिर चाइना जैसे सामान ही होगा, गारंटी वारंटी की अपेक्षा ना करिए, बीच में लिफ्ट खराब हो गई, अबे नीचे चल नीचे चल, क्यों भाई तुम्हारे आधे घंटे का ब्रेक होता, तुम खा पी के आए थे हो, खा पी के आए थे हो, लिफ्ट अगर रुक गई तो फिर तुम बोलो भाई जल्दी कर भाई, वो फिर बाहर खड़ा कर देगा भाई हमारा आपता हो गया इकोनॉमिक्स वाला सर, तो लिफ्ट में मत जाना भाई। हाँ अमेरिकन एक्सप्रेस, अमेरिकन एक्सप्रेस जिस पर्सन के पास अमेरिकन एक्सप्रेस में अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड होल्ड करता है, ये आराम से अकाउंट नहीं ओपन करते। प्लीज प्लीज बेटा मुझे बातें कम करनी पड़ेगी, क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, भाग भाग नहीं कर सकता, कहानी तो सुनाते रहना है मेरे को। अमेरिकन एक्सप्रेस वाले अकाउंट क्रेडिट कार्ड आराम से नहीं बनाते, नखरे बहुत है इनके, सिबिल बहुत चेक करते हैं आपका सिबिल। अगर जिसके पास अमेरिकन एक्सप्रेस में अकाउंट है तो बेटा अगर वहां पे जॉब करेगा तो क्या कुछ नहीं मिलेगा बेटा। मैंने इसका ऑफिस देखा गुरुग्राम में, अकाउंट मतलब आपका एक लेवल है, कार्ड आपका एक लेवल है, इसके अपोजिट एक ऐसा बैंक है वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर रहा, ये तो स्टैंडर्ड मेंटेन, एक ऐसा बैंक है गवर्नमेंट का ये शायद, वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर रहा, कहीं पर भी उसके बंदे खड़े रहते हैं पेट्रोल पंप में, भाई सर कार्ड है आपके पास, सर मैडम कार्ड है, अबे है ना, किस बैंक का है, अबे भाई मूवी देखने गए वहां खड़े हुए, सर कार्ड आपका, यहां स्कूल में गए बच्चों के वहां खड़े हो गए कार्ड है, अबे बस कर भाई कार्ड है बस, किस बैंक का है, पाकिस्तान बैंक लिमिटेड छोड़, सर वो गलत बात है सर, रशियन बैंक, कहां गए वो रशियन वाला, ये रहा जब भी टीवी में कोई रशियन वशियन देखे ना तेरी याद आ जाती है बेटा। क्योंकि तूने पॉपुलर करा, तू उनका ब्रांड एम्बेसडर है। न्यूयॉर्क यूएस चेयरमैन सीईओ स्टीफन स्क्विरी सीएफओ जेफरी सी कैंपबेल बेस्ट कंपनी जानी जाती है क्रेडिट कार्ड। इंडिया में किस बैंक का नाम बताया था, सुनना आराम से, कौन सा ऐसा बैंक है जो हर किसी के साथ टाई अप कर लेता है, एचडीएफसी कार्ड में, किसी में ऑफर मिले ना मिले एचडीएफसी कार्ड में ऑफर मिलती है, वर्ल्ड में आई ये है अमेरिकन एक्सप्रेस। इंडिया में आपको एचडीएफसी कार्ड में एक ऑफर मिलेगी मिलेगी किसी भी जगह पे पुत्र, वैसे ही वर्ल्ड में अगर बात करूं अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड, चार्ज कार्ड हो गए, कोलैबोरेशन विद मेट्रो, कोलैबोरेशन विद टैक्सी, हमारे यहां पे तो अलग अलग बेटे एक ही कार्ड होता है कॉमन कार्ड, कॉमन कार्ड आप उससे टिकट बुक करवा लीजिए, रेलवे टिकट बुक करा लीजिए,
मेट्रो की टिकट बुक करा लो या कैब, उसको चार्ज कार्ड बोलते हैं। दिल्ली में शुरू करा है कॉमन कार्ड, इसको ही कॉपी करा होगा, इसको ही कॉपी करा होगा, उस पर लिखा हुआ ऑल इन वन। डीडीसी बस में चलता है, मेट्रो बस चलता है, ऑल इन वन। ये रही ऑल इन वन, ऑल इन वन, मेट्रो, डीटीसी की बस, ऑल इन वन, मेट्रो, मेट्रो, डीटीसी की बस, क्लस्टर बसेस में। तो ये हमने कॉपी करा कॉन्सेप्ट ये इससे, अमेरिकन एक्सप्रेस से। ये तो दो ही दो जगह यूज होगा, मेट्रो में और डीटीसी की बस में, लेकिन इसमें मल्टीपल सर्विसेज यूज करता है अमेरिकन एक्सप्रेस वर्ल्ड में। मेट्रो, कैब, इसको बोलते हैं चार्ज कार्ड, बट हम लोग तो कॉपी करते हैं। ट्रैवलर चेक, ट्रैवलर चेक, मान जा बेटा यहां पे पैसे डिपॉजिट करो। ये तीन बेस्ट है इनका वर्ल्ड में, क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड, या चार्ज कार्ड के ब्रैकेट में एग्जांपल लिख लो बेटा, बाद में भूल जाएगा, चार्ज कार्ड, ऑल इन वन कार्ड, चार्ज कार्ड, ऑल इन वन कार्ड, ट्रैवलर चेक। बताता हूं क्या होता है, तीन में बेस्ट है अमेरिकन एक्सप्रेस इन द वर्ल्ड। आप यहां पे कैश जमा कराओ, आपको चेक दे देंगे, अमेरिका में जाके, फ्रांस में जाके आपको वो करेंसी मिलेगी, ट्रैवलर चेक। भाई कहां पे आप हार्ड कैश कैरी करोगे, 1 लाख 2 लाख रुपए जमा कराए, चेक दे दिया अमेरिका में डॉलर, फ्रांस में यूरो, उसको बोले ट्रैवलर चेक। तो सबसे कम कमीशन इनकी, बेस्ट सर्विस इनकी, लेकिन एक कंडीशन, अगर आप यहां पे जमा कराते हो वो वहां पर भी ब्रांच होनी चाहिए। आपने यहां करा दी एसबीआई, बाहर तो एसबीआई ही नहीं, यहां करा दे पीएनबी, पीएनबी घूमता ढूंढता रहा, कहां है पीएनबी, कहां है पीएनबी, अमेरिकन एक्सप्रेस। तो अभी हम लोग करवाते बैठे डॉशे बैंक सिटी। तो बेस्ट जो है वो अमेरिकन एक्सप्रेस का है, ट्रैवल चेक अक्रॉस द ग्लोब, याद कर ले, क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड, ट्रैवल चेक में नंबर वन है अमेरिकन एक्सप्रेस। इसकी तीन कंपनीज है जी, थ्री मेजर कंपनीज। फिर बातें शुरू होगी मेरे प्यारे शैतानों की, अमेरिकन एक्सप्रेस, ट्रेवल रिलेटेड सर्विस, सेकेंड बैंक अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक। फाइनेंशियल एडवाइजर, अमेरिकन एक्सप्रेस। ट्रैवल रिलेटेड सेकंड बैंक एडवाइजर, अमेरिकन एक्सप्रेस फाइनेंशियल एडवाइजर। फर्स्ट ऑफिस खोला इंडिया में कोलकाता, फर्स्ट ऑफिस इन इंडिया 21 में कोलकाता। '50 में स्टार्ट हुआ, मर्च होके बनी थी कंपनी, फर्स्ट ये क्वेश्चन दो अटेम्प्ट या तीन पहले अटेम्प्ट पहले आया था, अगर मैं ठीक रिकॉल कर पा रहा हूं, ये दो या तीन अटेम्प्ट पहले क्वेश्चन था बेटा, आपसे पूछा गया था किस किस के मर्जर से बना था अमेरिकन एक्सप्रेस जी।
हेनरी वेल्स वेल्स एंड कंपनी, सेकंड विलियम जी फार्गो, लिविंगस्टन फार्गो एंड कंपनी। कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाओगे इन कंपनी के नाम से फैमिलियर हो जाओगे, अभी बड़े सूने सूने लग रहे होंगे। जॉन वैरन बटरफील्ड, वेल्स बटरफील्ड एंड कंपनी। एप्पल 1977, कैलिफोर्निया, सीईओ टिम कुक। जल्दी से आ जाना, एक कहानी सुनानी है बड़ी प्यारी सी इससे रिलेटेड, जल्दी आओ मेरे बच्चा। 77 एस्टैब्लिशमेंट ईयर, कैलिफोर्निया यूएस, हेड ऑफिस सीईओ टिम कुक, सीएफओ ल्यूका मेस्त्री। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन सर्विसेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन सर्विस। वर्ल्ड की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट आईटी कंपनी बाय रेवेन्यू। आईटी में रेवेन्यू में नंबर वन है, असेट्स में नंबर वन है, रेवेन्यू में नंबर वन, असेट्स में नंबर वन, फोन में नंबर टू। आईडिया लगा सकते हो सबसे ज्यादा फोन किसके बिकते होंगे? सैमसंग, सैमसंग साउथ कोरिया की है। लार्जेस्ट इन रेवेन्यू, लार्जेस्ट असेट्स, सेकेंड नंबर पे है, टू रैंक सेल फोन, रैंक वन फोन में सैमसंग। सो जैसे हमारे लिखते हैं ना लिमिटेड, अमेरिका में यूरोप में लिखते हैं आईएनसी इंस्टीट्यूट या इनकॉर्पोरेशन, आईएनसी इंस्टीट्यूट या इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन मेन। इधर देखना बेटा, सिर्फ एक मिनट की कहानी हम सबके लिए, आई ओपनर। इमोशनल ड्रामा मिक्स होगा, हंसेंगे नहीं बच्चा। स्टीव जॉब्स, लुक एट मी बच्चे, स्टीव जॉब्स इसका फाउंडर, दो फ्रेंड और, एक स्टीव और था एक और, अभी नाम लिखाऊंगा मिट्टी पाना। स्टीव जॉब्स
एक स्टीव अंकल और एक और फ्रेंड, इन तीन ने मिलकर शुरू करी एप्पल। मुझे देख लेंगे बेटा, स्टीव जॉब्स के नाम पे पेटेंट है टच टेक्नोलॉजी का, लाइफ लॉन्ग टच टेक्नोलॉजी का पेटेंट स्टीव जॉब्स के नाम पे है लाइफ लॉन्ग। कोई भी ब्रांडेड कंपनी, अनब्रांडेड कंपनी टच टेक्नोलॉजी यूज करती है, अपने एमआरपी का 5% स्टीव जॉब्स की फैमिली को जाता है। 5% ऑफ एमआरपी फोन वॉच टच टेक्नोलॉजी का पेटेंट होल्डर है स्टीव जॉब्स की फैमिली। अब लाइफ लॉन्ग पेटेंट की लाइफ होती 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल, लाइफ लॉन्ग 5% ऑफ एमआरपी ऑफ दैट थिंग goes to in the form of royalty to the family of Steve Jobs. Thank you, सबका ध्यान है। ये जो थ्री इडियट में अमीर खान अंकल कहते हैं किसी क्लास में बैठ जाओ, ज्ञान बट रहा है ले आओ, ये स्टीव जॉब्स ऐसे करते थे। ये अमीर खान की लाइन नहीं है भाई, ये स्टीव जॉब्स ऐसे करते, पढ़ाई में ऐसे ही थे, ज्ञान बट रहा है ले आओ, स्टीव जॉब्स अंकल ऐसे करते थे। सर मुझे देखना, अब हंसी बंद। तीन टर्निंग पॉइंट्स जर्क, जल्दी यार जल्दी, तीन जर्क जिससे उभरे स्टीव जॉब्स, खड़े हुए लीडर। भगवान ना करे एक भी अगर तेरे मेरे साथ हो बच्चा, हम लोग मर जाएंगे। रियल सेंस में लीडर थे स्टीव जॉब्स। पहला, इनके एक आर्टिकल में पढ़ा, इनके मम्मी पापा अनमैरिड थे, इनका बर्थ हो गया। इनके मॉम एंड डैड अनमैरिड थे, इनका बर्थ हो गया। शर्म करके इनको ऑर्फेंज में छोड़ाए। इनको पता नहीं है इनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन से हैं। स्टीव जॉब्स को पता नहीं है इनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन से हैं। जो अडॉप्ट करके लेके गया, एक बैंकर था कपल में से, एक बैंकर एक लॉयर। पहला शर्म वाली बात कि इनको मॉम एंड डैड नहीं पता कि इनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन से हैं। शादी करी नहीं, बेबी हो गया, तो उस बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ाए। तो जो उसने लिया वो कपल, एक बैंकर एक लॉयर है, इनको इनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं पता। पहला धक्का, ही सर्वाइव्ड। दूसरा, पढ़ाई में ऐसे ही थे, गार्बेज से कंप्यूटर इकट्ठा करते थे, कंप्यूटर असेंबल फिर बेचते थे कूड़े से, टेक्निकल माइंड। ये तीन दोस्त गार्बेज से ई वेस्ट, कंप्यूटर ई वेस्ट तूने रिजेक्ट कर दिया, इसमें क्या काम का, ये काम का, ये काम का है, बेचते थे। तो जब उनको पेरेंट्स का नहीं पता तो दोस्त का सारा था। सोचो भाई, जिसको पेरेंट्स का नहीं पता, वो जो क्या बोलू बेटा, जो फैमिली लव का भूखा होता ना, ठीक है यार, अब तुम दोनों मेरे फ्रेंड हो यार, फैमिली तो है नहीं उसकी। सेकंड जर्क, ये ऐसे ही करते, किसी क्लास में बैठ जाते थे, ज्ञान बट रहा है, समझ तो कुछ आता नहीं था। दूसरा, जिस गर्ल से शादी करनी चाहिए, चल वे फॉर टीचर, जिस गर्ल से शादी करनी चाहिए, अभी उसी स्टेज में, आज वो अपने आप को कोसती होगी कि काश मैं मान लेती। जिस गर्ल से शादी करनी चाहिए उसको बोला कि भाई क्या है, ढंग की नौकरी तो है नहीं, कबाड़ में से ई वेस्ट उठाता है, बेचता है। सेकंड जर्क, चलो फिर दोस्त की तरह, देख फैमिली ने धोखा दिया, उस लड़की ने धोखा दिया, तुम मेरे दोस्तों। तीसरा जर्क, उन दो दोस्तों ने इसको कंपनी से बाहर निकाल दिया। हाय हाय, जो बेचारा मॉम एंड डैड का भूखा था, जिस गर्ल से शादी करनी चाहिए उसने दोस्त पे टिका था, दोनों ने कॉर्पोरेट में गेम खेली, इसको बाहर निकाल दिया। चले चल, इतना पैसा भाई साहब टूट गया कि फैमिली पता नहीं, लड़की ने बोला वहां जा, अब तुम दो दोस्तों थे, कॉर्पोरेट में गेम खेल के सारे शेयर कर लिए, मुझे बाहर निकाल दिया। सुसाइड करने की सोची, करी नहीं,
चलो अच्छी बात है सर, थोड़ी फील्ड चेंज करी जब धोखा मिला दोस्तों से, सब कुछ समझ के बैठा था। इन्होंने बनाई है वर्ल्ड की बेस्ट एनिमेशन कंपनी, वर्ल्ड की बेस्ट एनिमेशन कंपनी इसने बनाई, स्टीव जॉब्स ने, पिक्सर। पिक्सर, पिक्सर, पी आई एक्स ए आर, यही है। अच्छा एक सुन, पिक्सर स्टीव जॉब्स ने बनाई, लो प्रोफाइल रहा, हॉलीवुड बॉलीवुड डिज्नी जिसके भी एनिमेशन ये यूज करता है, वर्ल्ड की बेस्ट एनिमेशन कंपनी है, हमारी एनिमेशन टिक नहीं सकती इसके आगे, बनाई। अब एप्पल की नजर पड़ी, एप्पल ने खरीद लिया, पता नहीं था इसका चाचा हेड है, एप्पल ने टेक ओवर कर लिया, पिक्सर बड़े कमा रहे हो, पिक्सर खरीद ली। अब ये आके बैठ गया वहां पे, भाई तू क्या करने आया है, ये जो आपने खरीदी है ना इसमें माइनस शेयर मेरा भी है। फिर दोनों दोस्तों को मैंने बाहर निकाला, बेटे मेरे साथ खेली तुमने महाभारत, जब पिक्सर को खरीदा एप्पल ने तो बोर्ड में वापस आए स्टीव जॉब्स, फिर वही गेम खेल के इन दो दोस्त को, बेटे जा बेटे वो एग्जिट गेट। वर्ल्ड में हर कैंसर का इलाज है, हर कैंसर का इलाज है, इनको हुआ पैनक्रियाटिक कैंसर, हर कैंसर का ट्रीटमेंट है, पैनक्रियाटिक कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है, इनको वो हुआ। पता था सर, पता था काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, उसके बावजूद भी सिंपल से ट्राउजर टी शर्ट में देखे जा सकते थे आपको एप्पल के बोर्ड रूम में, एप्पल की लैब में। यस, इनकी डेथ हुई है एप्पल के ऑफिस में। कहा जाता है, कहा जाता है जो तेरा पैशन है तेरी डेथ वहीं पे होती है। मैंने कहीं सुना है जो तेरा रियल पैशन हुआ, तो रियल पैशन हुआ आपकी डेथ वहीं होगी। भाई की डेथ हुई है एप्पल के ऑफिस में, क्वालिटी चेक कर रहे थे। अब्दुल कलाम सर स्पीच देते देते गिरे, माइकल जैक्सन देख लेना। ये मैंने कहीं पढ़ा है कि जो अगर आपका रियल में, तो कुछ भी बोलता रहा, मैं कुछ भी बोलता रहता हूं, अगर तेरा वही पैशन है मेरे बच्चा, तेरा मेरा डेथ वहीं पे होगा अगर वो रियल पैशन है। माइकल जैक्सन कहां गए डांस करते हुए, अब्दुल कलाम सर और ये स्टीव जॉब्स। तो बच्चे जिसको बायोलॉजी का पेरेंट्स नहीं पता, उस गर्ल ने बोला कौन है भाई तू, जिस फ्रेंड्स पे विश्वास करा उसको बाहर निकाला, पैनक्रियाटिक कैंसर। इतने अप एंड डाउन से वर्ल्ड को देके गए टच टेक्नोलॉजी, ये रियल हीरो स्टीव जॉब्स। फिर सचिन सर की लास्ट लास्ट वाली बात, आपको मेरे को एक कट इंजरी हो जाए, ओए छुट्टी कर रहा हूं मम्मी, मैं छुट्टी कर रहा हूं, छुट्टी कर रहा हूं। अगले बंदे को देख, सर हम तो ड्रामेबाज हैं सर, चाहे आप चाहे मैं, सबसे बड़ा मैं हूं। बोला शैतान सर के शैतान बच्चे, उसको देख बेटा ये हो तो रियल साइंस में हीरो। स्टीव जॉब्स श्रद्धांजलि देने तो नहीं आ रहे उनको, चलो नहीं मुझे लगा, चलो साथ चलेंगे सब, ठीक है यूएस में ही जाएंगे कैलिफोर्निया। जल्दी आ जाओ बच्चा, लिख स्टीव जॉब्स। स्टीव वॉजनिक, रोनाल्ड वाइन, ये दो थे जो पैसे के चक्कर में फ्रेंडशिप को भूल गए। अप्रैल 1976 डेवलप करते थे, बेचते थे पीसी, पर्सनल कंप्यूटर्स, फ्रॉम ई गार्बेज। एप्पल कंप्यूटर इनकॉर्पोरेशन जनवरी 77
एप्पल कंप्यूटर इनकॉर्पोरेशन जनवरी 1977 में नाम चेंज करा क्योंकि डाइवर्सिफाई हो गए एप्पल इनकॉर्पोरेशन। अब हम सिर्फ कंप्यूटर में नहीं रहे, एप्पल इनकॉर्पोरेशन। मैकबुक, अच्छा आपसे कंफर्म करना चाहूंगा कि मुझे ठीक बोला मेरे फ्रेंड ने, कहता है अगर एक बार, प्लीज मैं यूजर नहीं हूं अभी, अगर एक बार एप्पल का टैब पीसी लैपटॉप यूज कर लेगा कोई और नहीं कर पाएगा। ये बोला मेरे फ्रेंड ने, सचिन एक बार पीसी कोई भी जो यूज करता है एक बार यूज करके देख, वो इतना स्मूथ है, इतनी परफॉर्मेंस है, आप और मैं फोन लेके घूमते हैं, इतना मेगापिक्सल, वो सिर्फ दिखाने के लिए, इसका नॉर्मल भी 10-12 मेगापिक्सल क्या क्वालिटी। अच्छा नहीं, मुझे इसमें मेरे को जो रिकमेंडेशन मिला पीसी का, लैपटॉप का, जी टैब, मैकबुक, चला अभी देखो लाके दूंगा एक मेरे लिए हैदराबाद, आईपैड, आईफोन, वॉच, जल्दी बेटा, मैक, आईपैड, आईफोन, वॉच, टीवी, म्यूजिक। इंडिया में एप्पल टीवी लॉन्च ही नहीं है। इंडिया, अगर आपने किसी के घर पे एप्पल टीवी देखा है बेटा, इंपोर्टेड होगा। इंडिया में एप्पल टीवी नहीं मिलता रियल सेंस में, उसमें रिमोट ही नहीं है। एप्पल टीवी में रिमोट नहीं है, वॉइस कंट्रोल, जेस्चर, वर्चुअल, यस, रिमोट नहीं है जी। अबे तुमने वो गफार खरीदा को लोकल वाला, अबे तुमने लोग, तुम्हारा गफार वाला है, तुम्हारा वो असेंबल वाला, तुम्हारा लोकल वाला पाकिस्तान से इंपोर्ट करा तुमने, श्रीलंका वो वाला है। एप्पल टीवी में रिमोट नहीं होता बच्चे, वॉइस कंट्रोल्ड, जेस्चर कंट्रोल्ड। काश ऐसा वाला टीवी भी एप्पल जल्दी लॉन्च करे जो वहां पे एक पर्सन है, समझ गए ना, भारी याद है, ये होना चाहिए जल्दी, सब बता रहे बस है ना, वो अंदर वाला वो भारत तू भाग क्या कर रहा है, वो हो जाए तो पहले हम ही खरीद लेंगे। एप्पल ने एक्वायर करा, लिख ले बेटा, एप्पल ने एक्वायर करा शाजम ऐप। एप्पल ने एक्वायर करा शाजम ऐप। शाजम ऐप म्यूजिक ऐप, वीडियोस लीडर है वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा जो ऐप डाउनलोड हुई है, कंटेंट डाउनलोड हुआ है इसके नाम पे है। ऐप आपने डिलीट कर दिया फिर दोबारा डाउनलोड करी, कंटेंट शाजम के नाम पे है, उसे एप्पल ने एक्वायर करा है, अमाउंट नहीं बता रहा, अनडिस्क्लोज अमाउंट, समझ मेरे वुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, अमाउंट नहीं बता रहा, कर ले मेरे पे केस, शाजम एप्पल का हो चुका है, अमाउंट नहीं बता रहा। एप्पल इन कॉर्पोरेशन ने अभी तक डिविडेंड नहीं दिया, आपके शेयर की वैल्यू बढ़ रही है कंटेंटेड, आपके शेयर की वैल्यू बढ़ रही है कंटेंडेड, शांत रहो उसमें, खुश रहो, डिविडेंड नहीं दिया, री इन्वेस्टमेंट सुन ले बच्चे, एप्पल के पास रिजर्व में पड़ा हुआ है 20 लाख करोड़ रुपए, ये कैश है सिर्फ 20 लाख करोड़, ये सिर्फ कैश है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड 20 लाख करोड़। और पता है वर्ल्ड के बेस्ट
बच्चे फिर घूम फिर के आपके ऊपर आया था, 20 लाख करोड़ तो सिर्फ कैश है उसके पास। ये वर्ल्ड के बेस्ट सीईओ को बुलाते, आ बता इसको और कैसे मल्टीप्लाई करूं, 20 लाख करोड़ जो मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, सेट्स बहुत सारी है, इस 20 लाख करोड़ को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूं। वर्ल्ड का बेस्ट सीईओ तू कहता है दिखा अपना प्रोफाइल, आ इसको मल्टीप्लाई करो, ये प्रोफाइल है सर, जाओगे दोनों, वेरी गुड, इकोनॉमिक्स को भी चाहिए होंगे इनको, वहां पे मेरा प्रोफाइल भी ले जाना, ठीक है ना, रास्ते में ये नहीं प्लेन में ऐसे ऐसे हैप्पी होली वो मत कर देना भाई, ठीक है ना। इन अनडिस्क्लोज अमाउंट, नहीं वो दोनों भाई आपस में वो कर रहे थे कि हम दोनों जाएंगे वहां पे, बीच में मैंने बोल दिया मैं मेरे को भी ले जाना, 2018 में करा, नेक्स्ट गोल्डमैन सैक, गोल्डमैन सैक ये आपकी एडवाइजरी फर्म, एडवाइजरी फर्म है, फाइनेंशियल एडवाइजर, वेल्थ मैनेजर, रेटिंग एजेंसी, बच्चा 10 मिनट सर हमारे पास, बताया था मैंने ट्रिपल ए, याद कर रेटिंग होती है कंपनी की, कंट्री की, एक काम करना आपने इसकी रेटिंग, रेटिंग चेक करना, मुझे नहीं पता LIC का जो IPO आया उसकी रेटिंग चेक करना, मुझे बताना, ठीक है बेटा, होमवर्क, ट्रिपल ए, डबल ए, ए ट्रिपल बी, डबल बी, सी, डी, ई, ये रेटिंग होती है, तो ये रेटिंग एजेंसी भी है गोल्डमैन सैक। 1869 न्यूयॉर्क, 200 वेस्ट स्ट्रीट न्यूयॉर्क, फाउंडर्स मार्कस गोल्डमैन, सैम्यूल सैक, मार्कस गोल्डमैन, सैम्यूल सैक, इसका मेन काम है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वर्ल्ड के टॉप स्पोर्ट्स पर्सन, टॉप स्पोर्ट्स पर्सन, हमारे इंडिया में जलवा है क्रिकेट लेकिन वर्ल्ड खेलता फुटबॉल, फैक्ट है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सही बात, वर्ल्ड के स्पोर्ट्स पर्सन, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन का एडवाइजर ये है, मैक्स टू मैक्स गोल्डमैन सैक, बस अब बता इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है और आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, 10% पैसा आपका, दिमाग मेरा, पार्टनरशिप इन प्रॉफिट, लॉस पूरा मेरा, होएगा नहीं, पूरी कैलकुलेशन है, गोल्डमैन नाम याद कर ले, मार्कस गोल्डमैन, सैम्यूल सैक्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सिक्योरिटीज, शेयर मार्केट हुआ, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस, फिर बातें शुरू हो गई आपकी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, शेयर मार्केट, सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस, में न्यूयॉर्क इनका हेड ऑफिस, और ऑफिसेस खोले लंदन, फ्रैंकफर्ट, बेटे फ्रैंकफर्ट कहां पे हुआ, जर्मनी, टोक्यो, हांगकांग एंड अदर मेजर सेंटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, लंदन, फ्रैंकफर्ट, टोक्यो, हांगकांग, अदर
major centers across the world. '82 में मार्कस गोल्डमैन अपने बिजनेस में लेके आए अपने सन इन लॉ को, मार्कस गोल्डमैन लेके आए अपने सन इन लॉ को सैम्यूल सेक्स, मार्कस गोल्डमैन का सन इन लॉ सैम्यूल, तीन साल के बाद गोल्डमैन अपने सन को भी लेके आए हेनरी, सन इन लॉ वो भी अपने बेटे को लेके आया, पहले दामाद को लेके आया फिर अपने सन, फिर सन इन लॉ अपने सन को लेके आया। एचयूएफ बना लो, उससे अच्छा बन नहीं सकती, लेकिन बना लो। ये तुम ड्रामेबाजी कर रहे हो, हमारा कोर्स बड़ी आ रहा है, शुक्र अभी आ गए, उसकी शादी उससे हुई, उसकी ये हुई ये वही, वो नहीं है, शुक्र है भगवान का, शुक्र आईसीआई का, चुप कर तू, तो तेरी बात नहीं कर रहे हम। वो अपने सन को लेके आया लुडविग, एक तो नाम ही कितने अच्छे अच्छे है ना, तभी मैं कह रहा हूं बेटा तुम कुछ बनो, तुम्हारे नाम यहां पे आए, मेरे को लिखने में आसानी होगी, क्यों, और मैं बोलूंगा अभी बेटा ये नाम पढ़ रहे हो, ये मेरा स्टूडेंट था, ठीक है ना, ये इसका फोन नंबर है, मैं संभाल के रखा है, और जब तुम्हें कॉल आएगी तो ये मत बोला रॉन्ग नंबर, झूठ बोल रहे, कुछ नहीं बड़ा मुझसे, और ये एक स्टेप और आगे निकलता है, ये बन गया, इसी फॉर्म में गया हेड, मैंने इसका नंबर दिया अपने स्टूडेंट का, मैं कहा पूछ लो भाई मेरे से पढ़ता है, तुम भी, इसको कॉल आई तो पता क्या बोलता है, कह रहा भाई इससे पढ़ के यहां पहुंच सकते हैं, ये बाकी ये भाई साहब क्या भाई रॉन्ग, चुप कर, कह रहा भाई ये कौन है सचिन गुलाटी, इससे पढ़ के मैं पहुंच सकता हूं, सेल्फ स्टडी करी है, आप भी करो, गलत बोलता रहता है भाई, ऐसे विचार मत प्रकट करियो, मना भी नहीं कर रहा कि नहीं सर मैं ऐसा नहीं बनूंगा, तू ऐसे बनेगा बेटे, यही बनेगा, ऐसे यही बनेगा। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ 1896, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जल्दी कर भाई, 1896 पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, सिक्योरिटीज, एसेट्स मैनेजमेंट, ब्रोकरेज फर्म, अंडरराइटिंग, हमने पढ़ा अकाउंट्स में आपके शेयर बिकवाने की गारंटी देता है अंडरराइटर, अगर आपके शेयर बिक गए अच्छी अच्छी बात है, नहीं बिकेंगे मैं खरीद लूंगा, उस गारंटर को बोलते हैं अंडरराइटर, अंडरराइटर फर्म, और ये इन्वेस्टमेंट सर्विस देता है FIIDII को, कभी पैसा कम पड़ जाए FIIDII का गोल्डमैन सैक्स
छोटे छोटे बंदे, राकेश झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला सर, वॉरेन बफे, कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो लेकिन अभी फंड हाथ में नहीं है तो ये हेल्प करेंगे। गौर करवाऊंगा जी। आप पुत्र प्लीज, पांच मिनट प्लीज, चल नहीं मेरी है, बोलता रहा ऐसा करता है जी। एचपी, एचपी का मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, एचपी का मतलब बस बेटा 1939 कैलिफोर्निया, चिप बग, एंड्रिक लॉर्स, मैरी मेयर्स, हैवलट पैकर्ड, हैवलट पैकर्ड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं गवर्नमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, गवर्नमेंट, फिर वही अगर आपको कोई इनकम टैक्स की वेबसाइट, जीएसटी की वेबसाइट, गवर्नमेंट, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, ये इनके तीन प्राइम एरियाज हैं। 1939 एक कार गैरेज से शुरुआत हुई, प्लाउ आल्टो, बाय विलियम बिल रेडिंगटन हैवलेट, थोड़ा और नाम बड़ा रख लेते अंकल, विलियम बिल रेडिंगटन हैवलेट, अपना नाम भूल जाओगे तुम, डेविड डेव पैकर्ड, बस जी बस, इनिशियली इनका काम था इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इक्विपमेंट, आप और मैं परचेज करके लेके आते हैं इलेक्ट्रिक टेस्टर, इलेक्ट्रिक टेस्टर, वोल्टेज मेजरमेंट, ये होते हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इक्विपमेंट, वोल्टेज स्टेबलाइजर टेस्टर, ये इनका था इनिशियल बिजनेस, उसके बाद इन्होंने डाइवर्सिफाई करा। कंप्यूटिंग डिवाइसेस, सर्वर्स, स्टोरेज डिवाइस, आपके पास मेरे पास हार्ड डिस्क है, इनकी
कंप्यूटिंग डिवाइस, सर्वर्स, स्टोरेज डिवाइस। बच्चे आप ही प्रॉब्लम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर्स, प्रिंटर्स, ट्वेंटी फोर्टीन में शायद ये क्वेश्चन हमारे आईसीआई की बुक के पीछे है, शायद 2014 में इन्होंने अनाउंस किया अपने बिजनेस को दो में स्प्लिट कर रहे हैं। 14 में अनाउंस किया दो में स्प्लिट कर रहे हैं, पीसी अलग, प्रिंटर अलग। पीसी प्रिंटर, पीसी प्रिंटर एक, अदर अलग। पीसी प्रिंटर एक बिजनेस होगा, अदर एक बिजनेस होगा। नवंबर फर्स्ट को ये प्रोसेस पूरी हुई, पूरा एक, इतना बड़ा इनका बिजनेस एम्पायर है, पूरा एक साल लग गया, 1.5 ईयर्स लग गए बिजनेस स्प्लिट करने में। पीसी प्रिंटर अलग बिजनेस, अदर अलग बिजनेस। नवंबर फर्स्ट 15 को प्रोसेस पूरा हुआ स्प्लिटिंग का। सितंबर 19 वर्ल्ड की फर्स्ट नोटबुक विद ओशियन बाउंड प्लास्टिक, ओशियन बाउंड प्लास्टिक वर्ल्ड का एक ऐसा प्लास्टिक है जो 100% इको फ्रेंडली है। किसी भी प्लास्टिक को इको फ्रेंडली नहीं कहा गया। ओशियन बाउंड प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक होता है जो 100% इको फ्रेंडली है। उससे इन्होंने बनाया था अपना नोटबुक। तो मतलब अपनी ग्रोथ भी कर रहे हैं, इन्वायरमेंट का ध्यान भी रख रहे हैं। ब्रैकेट लिख ले फिर समाप्ति करते हैं। ओशियन ब्राउन प्लास्टिक 100% इको फ्रेंडली प्लास्टिक। नेक्स्ट क्लास में आईबीएम, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, नेस्ले, वॉलमार्ट, ये पांच, पहले मेरी बात सुनोगे बेटा, उस आप नहीं सुनोगे, बस सुनो। ये जो मैंने नाम लिए, चैप्टर वन माइक्रो का, उसका पार्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स, डिमांड फोरकास्टिंग, डिमांड के टाइप्स और बिजनेस एनवायरनमेंट। सचिन सर, ये दो चैप्टर में आपने क्यों छुड़वाया? सारे चैप्टर आपने साथ साथ पूरे करवाए बेटा। अब हमने कुछ ऐसे टर्म सीख लिए हैं, उनमें आराम से कवर हो पाएंगे। जब सारे चैप्टर आपने साथ साथ करवाए, प्रोडक्शन कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट, ये दो पार्ट क्यों छुड़वाए? जैसे कॉन्ग्लोमेरेट, कंसोर्टियम, ई कॉमर्स के जॉइंट प्लेयर, कुछ टर्म्स अब कवर हो गई हैं जो इन दो टॉपिक्स में आराम से होंगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।